हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली आज ट्रिप का सेकंड लास्ट डे आ गया है। आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आगरा को। आगरा में ताजमहल, रेड फोर्ट, अकबर का मकबरा और फतेहपुर सीकरी, ये चार चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा आज मैं। और अभी टाइम हो गया है 7:23 और जो मेरा होटल है वो ईस्ट गेट की साइड में, तो मेरे को 5 मिनट लगेगी पार्किंग तक पहुँचने में। उसके बाद 5 मिनट मैं अंदर हो जाऊँगा। अगर ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो चेकिंग वगैरह सब कुछ करा के मैं 7:50 या 8 बजे तक मैक्स ताज के अंदर होऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। जस्ट अभी होटल से निकला हूँ और सामने इसी रोड पे, जो होटल के सामने जो रोड है, इसी पे जाके ताज आ जाता है। बस मुश्किल से 5 मिनट की ड्राइव है। होटल से 5 मिनट की ड्राइव पे ताज महल भी आ जाता है और ताज होटल भी आ जाता है आगरा वाला। हो गया एंटर पार्किंग में। अभी इतनी कोई भीड़ नहीं है, आराम से गाड़ी लग जाएगी। अगर आप आफ्टरनून तक आओगे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अंदर एंट्री मिल चुकी है 7:53 और यहाँ से सामने ताज 8 बजे से पहले मैं पहुँच गया। यहाँ पे बैठा हूँ ताज के आगे। मेरे को ना बिलीव नहीं हो रहा अभी भी कि मैं ताजमहल पहुँच गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ प्लान थी, पेंडिंग थी। 2019 अगस्त से चीज़ प्लान कर रहा था मैं दोस्तों के साथ में। बहुत से लोग चेंज हुए, डेट चेंज हुई, ऑलमोस्ट प्लान बनते बनते कैंसिल हुए। आज फाइनली पहुँच गया हूँ, आँखों से देख ही लिया आज ताजमहल। बहुत देर से बैठा यहाँ पे, अभी पोस्ट कर रहा था स्टोरी वगैरह, तो हर नेटवर्क का इशू है। और जब ये ताज के बारे में सारी चीज़ें लिख रहा था ना, तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी कि इसने बनवाया, इसने बनवाया, क्योंकि ताजमहल के बारे में ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। और ये वीडियोस मेरे सारे दोस्त देखने वाले हैं, और दिल्ली से कितना 250 किलोमीटर भी नहीं है मैक्स ताज, तो हर कोई आ चुका है ताज और हर किसी ने ताज देखा हुआ है। अब मैं भुज में था, बड़ौदा था, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने वीडियो सुनाई, क्योंकि वो हर किसी, मतलब मेरे दिमाग में ना मेरा फ्रेंड सर्कल रहता था कि ये वही देखने वाला, तो मैंने ताज के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी ही नहीं। सबको पता है कि ये जो प्लेयर्स हैं हल्के से बाहर की तरफ झुके हुए हैं, शाहजहाँ ने बनवाया, वाइट मार्बल है। अभी नीचे के लिए तो मतलब शूज़ के ऊपर कवर नहीं है, लेकिन ऊपर वहाँ से चढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे कवर चाहिए होगा शूज़ का। और पीछे यमुना रिवर है ही अपनी, तो अभी थोड़ी देर और बैठते हैं। सामने एंट्री गेट है ईस्ट वाला, ये अपने मैंने शूज़ कवर पहन लिए, 10 रुपये के मिल जाएंगे, 10-20 बाहर 5 रुपये के भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ तक घूमने के लिए आपको कवर की नीड नहीं है, बट अगर आपको ताज में ऊपर जाना है तो आपको कवर्स चाहिए होंगे। यमुना के भाव से पता चल रहा है कि दिल्ली किस साइड है, भाव ऐसे जा रहा है ना तो दिल्ली इस साइड है। मैं अंदर भी घूम के आ गया, बट वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं तो कुछ भी फोटोज वगैरह खींचना अलाउड नहीं था। अब चलो निकलते हैं यहाँ से। ताज से एग्ज़िट कर लिया मैंने, सामने ताज है, इस साइड वेस्ट गेट, ये अगर आगरा के अंदर से आ रहे हो तो गेट, और ये इस साइड है वेस्ट वाला, सॉरी ईस्ट वाला। अब चलते हैं पार्किंग में। पहुंच गए पार्किंग में और यहाँ से
रेड फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो है 5.9 किलोमीटर, 17 मिनट लगेंगे। निकलते हैं, ताजमहल तो हो गया डन, अब रेड फोर्ट, उसके बाद अकबर का मकबरा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, अभी चलते हैं रेड फोर्ट। पहुंच गया रेड फोर्ट, अब देखते हैं इसकी पार्किंग कहाँ पे है। ओके, एंट्री तो मिल गई रेड फोर्ट के अंदर, पार्किंग की कोई चार्जेस नहीं, पार्किंग आपको मिल जाएगी इजीली, लेकिन यहाँ की टिकट है 35 रुपये। लेकिन जब आप एंट्री पहले टिकट चेक करवाओगे उसकी, वहाँ पे आपको 10 रुपये और देना है कोई टैक्स वगैरह समथिंग करके, तो गूगल पे मतलब UPI करना है आपको, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि रेड फोर्ट, ताजमहल इन सब में ना नेटवर्क नहीं आता, तो मेरे को 5-6 मिनट बेमतलब में वहाँ पर खड़ा हुआ पैसे ट्रांसफ़र किए, अब जाके अंदर आया हूँ। और ये वाला किला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब ये वाला लाल किला दिल्ली वाले से। जिस जगह पर मैं हूँ ना, ये है जहांगीर पैलेस जो मैंने अभी आपको दिखाया, और ये पूरा का पूरा मतलब ये एरिया जो है जहांगीर पैलेस है, और यहाँ से दिखता है ताजमहल। आइए सोने गड़बड़ कर रखी है, मैं फ़ोन से दिखाता हूँ आपको, फ़ोन से शूट करके दिखा रहा हूँ पूरा सामने ताज। यहाँ पे भी सेम चीज़ करी गई है, वो रेड फोर्ट, रेड फोर्ट की वॉल और जो ज़मीन है उसके बीच में काफ़ी गैप है, उसमें पानी, और पहले मगरमच्छ वगैरह रहते थे, ताकि कोई अटैक करे उसमें जाए तो उसको मगरमच्छ खा ले। और व्यू तो है यहाँ से ताजमहल का अच्छे वाला। इस पूरी जगह पे वाइट मार्बल यूज़ हुआ है ना, तो यहाँ पे ठंडक तो है और हवा चल रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ से तो बार बार वही ताजमहल का व्यू नज़र आता है, यमुना, ताजमहल, मस्त व्यू। और इसकी डिज़ाइन, इसकी शेप से मेरे को पता चल गया दीवाने आम होगा। यस, जहाँ राजा अपना बैठ के लोगों की शिकायतें वगैरह यहाँ पे सुनता था। अच्छा, ऊपर जा सकते हैं इसमें, ओके, लोगों की, जनता की, यहाँ की शिकायतें दूर करता था। ये जो आपको सामने जगह दिख रही है, यहीं पे बैठते थे शाहजहां, और यहीं पे बैठ के वो यहाँ पे जो जनता होती थी नीचे की तरफ, यहाँ पे उनकी शिकायतें सुनते थे। वो मैंने अभी जो दिखाया था वो था दीवाने आम, और ये है दीवाने खास, जहाँ पे राजा के खास खास लोगों के साथ राजा की मीटिंग होती थी। ये किला जितना मैं सोच रहा था छोटा होगा, दिल्ली वाले लाल किले की तरह होगा, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा, सुंदर और अच्छा है। मैंने तो गाइड नहीं लिया, अगर आप आ रहे हो तो ट्राई करो गाइड ले ही लोगों की, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो दे ही देगा आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये किला सच में अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा है ये वाला किला। तो मैं तो थक जाऊँगा पूरा घूमते घूमते, और हो सकता है एक आध हिस्सा मैं छोड़ भी दूँ इसका, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं किधर से कहाँ जाना है चीज़ों के बारे में। गाइड होता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लाल किला से बाहर आ गया, अब
खरीदते एक पानी की बोतल, फिर चलते हैं अकबर के मकबरे पे।